Hello everyone, welcome to my channel CS Ab Initio. Today we'll study 5 types of writs given in Indian Constitution for enforcement of fundamental rights. And right of enforcement of fundamental rights are given in Article 32 and Article 226 of Indian Constitution. So in this video, we'll cover what are the 5 types of writs which can be issued under Indian Constitution by high courts and supreme courts for enforcement of fundamental rights, and under which article the supreme court and high court has right to issue writ. So let's start with the video. So high court or supreme court fundamental right enforce kar sakte hain by exercising their writ jurisdiction, which is given in Article 32 and Article 226 of Indian Constitution. This is special right given to the highest court of land, Supreme Court and High Court. So let's see what are the rights of court to issue writs for enforcement of fundamental rights, how this jurisdiction can be exercised, and what are the types of writs that can be issued by Supreme Court and High Court for enforcement of fundamental rights. तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 32, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट दिया हुआ है सिटीजन्स को. सो एनफोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट दैट इज गिवन इन आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो सिटीजन्स को सिर्फ फंडामेंटल राइट्स देना ही सफिशिएंट नहीं है अगर वो उसको एनफोर्स ही नहीं कर सकते हैं तो. सो एक नया आर्टिकल डाला पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें उन्होंने सिटीजन्स को ये राइट दिया है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको एनफोर्स कर सकते हैं थ्रू कोर्ट्स. सो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 विच से दैट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट टू सिटीजन ऑफ इंडिया. सो कोई भी सिटीजन हमारी कंट्री का जिसका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है या जो अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, वो आर्टिकल 32 के अंदर अपना राइट एनफोर्स कर सकता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ 5 रिट्स, जो कि हम अभी आगे देखेंगे. और जो रिट्स इशू करने का पावर है हमारी कंट्री में, वो सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट को दिया गया है, एक तो हाई कोर्ट एंड एक सुप्रीम कोर्ट. तो हाई कोर्ट को दिया है ये पावर अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल बोलता है हाई कोर्ट हैज पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग द रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. मतलब आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है कि वो किसी भी तरह का डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट इशू कर सकता है which is required for enforcement of fundamental right. Similarly, Article 32 में ये कहा गया है कि Indian citizen के पास right है Supreme Court के पास writ petition file करने का for enforcement of any of their fundamental rights which is guaranteed by Part 3 of Indian Constitution. So हमने पहले भी पढ़ा है Part 3 में सारी fundamental rights दी गई है हमें, including Article 32. और आर्टिकल 32 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन बी मूव्ड बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स एज रेफर्ड टू अंडर आर्टिकल 226. मतलब इससे पहले जो हमने आर्टिकल देखा 32, जिसमें ये बोला गया है कि हाई कोर्ट के पास पावर है रिट्स इशू करने का, सिमिलर राइट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में रिट्स इशू करने का फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स गिवन इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 3 में कौन सी राइट्स दी है? फंडामेंटल राइट्स. अब राइट ऑफ सिटीजंस पे आते हैं. सिटीजंस के पास क्या राइट है? जैसे ही उनका कोई फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज होता है बाय स्टेट एक्शन, सब फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज इनफोर्सिबल अगेंस्ट स्टेट, अगेंस्ट गवर्नमेंट. सो दे सेड इफ फंडामेंटल राइट्स आर इंफ्रिंज्ड बाय अ स्टेट एक्शन, दे हैव राइट टू मूव हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट. और कोर्ट को क्या राइट दिया है? कोर्ट कैन एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग रिट्स. अब हम देखते हैं ये रिट्स क्या होती हैं और ये रिट्स कितने टाइप्स की होती है और इन रिट्स का क्या मतलब होता है. तो सबसे पहले तो देखते हैं रिट क्या होता है. रिट एक लीगल टर्मिनोलॉजी है जो बोलती है कि कोई किसी भी तरह का रिटन ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, जिसके पास वो ऑर्डर इशू करने का अथॉरिटी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिट.
और रिट पिटीशन क्या होती है? अगर हम कोर्ट में कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं टू इश्यू अ स्पेसिफिक ऑर्डर, उसे बोलते हैं रिट पिटीशन। मतलब एप्लीकेशन शुड बी फाइल बिफोर अ कोर्ट, एंड जिस कोर्ट के पास हम रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं दैट शुड बी कॉम्पिटेंट कोर्ट। और हमारी रिट पिटीशन क्या करेगी? रिक्वेस्ट टू इश्यू अ स्पेशल काइंड ऑफ रिट और ऑर्डर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिट पे। पहली होती है हेबियस कॉर्पस, सेकेंड होती है मैंडमस, थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ सर्शियरारी, फिफ्थ क्वो वारंटो। अब हम एक एक करके देखते हैं इन रिट्स का क्या मतलब होता है, ये कब कब इशू की जा सकती है और इन रिट्स को कैसे इन्फोर्स किया जा सकता है। सबसे पहले आई हमारी रिट्स हेबियस कॉर्पस। सो हेबियस कॉर्पस का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है टू हैव अ बॉडी और टू हैव अ पर्सन। अब हम देखते हैं हेबियस कॉर्पस है क्या। हैबियस कॉर्पस बेसिकली एक कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कोर्ट यह जानना चाहता है कि किसी भी पर्सन को अगर आपने डिटेन किया है या कन्फाइन किया है तो किन ग्राउंड्स पे उसे डिटेन किया है, एंड अगर जो जस्टिफिकेशन और ग्राउंड जो कोर्ट को सबमिट किया है हमने वो अगर सही नहीं है, वो जस्टिफाइड नहीं है, देन कोर्ट कैन ऑर्डर टू लेट दैट पर्सन फ्री। सो हैबियस कॉर्पस इज बेसिकली अ रिट इशूड बाय कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट और टू पर्सनल लिबर्टी। सो दिस रेमेडी इज अवेलेबल टू अ पर्सन हु इज बीन डिटेन और कन्फाइंड विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। सो अगर कोई पर्सन है जिसको कहीं पर डिटेन या कन्फाइन किया गया है और जिसकी कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो इधर वो पर्सन और उसका लीगल प्रैक्टिशनर कोर्ट के पास जा सकता है, रिट पिटीशन फाइल कर सकता है और कोर्ट से ये डिमांड कर सकता है कि वो ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन आस्क करें जिन्होंने उस पर्सन को डिटेन किया है, एंड अगर वो ग्राउंड सही नहीं है तो कोर्ट रिट दे सकता है टू रिलीज दैट पर्सन। और रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस को कैसे एनफोर्स किया जा सकता है? जस्ट बाय प्रोड्यूसिंग दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट। सो कोर्ट हैज अ राइट टू हैव अ पर्सन और हैव अ बॉडी हु हैज बीन डिटेन्ड विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन। तो हैबियस कॉर्पस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? ईदर अ प्रिजनर जिसको डिटेन किया गया है या कन्फाइन किया गया है, और एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू सेफ गार्ड हिज लिबर्टी। मतलब उसका लीगल प्रैक्टिशनर, उसका एडवोकेट, कोई भी हो सकता है उसके बिहाफ। एंड हैबियस कॉर्पस इस कॉन्सेप्ट पे बेस है कि नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट फॉर वॉयलेशन ऑफ लॉ और इन ऑर्डिनरी लीगल मैनर। मतलब किसी पर्सन को अगर हम पर्सनल लिबर्टी एक्सरसाइज करने से रोक रहे हैं तो वो ओनली टू कंडीशन में हो सकता है, अगर उसने लॉ का वॉयलेशन किया है या उसको डिटेन करने का कोई ऑर्डिनरी लीगल प्रोसीजर है। फिर सेकेंड रिट आती है रिट ऑफ मैंडमस। सो मैंडमस का क्या मतलब होता है? मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। अब हम देखते हैं रिट ऑफ मैंडमस क्या है। सो रिट ऑफ मैंडमस इज बेसिकली अ कमांड इशू टू डायरेक्ट एनी पर्सन और इंफीरियर कोर्ट और गवर्नमेंट। मतलब रिट ऑफ मैंडमस किसके अगेंस्ट इशू की जा सकती है? इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल पर्सन और इवन अ कॉर्पोरेशन और इंफीरियर कोर्ट मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी। क्यों इशू की जाती है? रिक्वायरिंग हिम और इट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग विच इज स्पेसिफाइड इन रिट ऑफ मैंडमस विच पर्टेन टू हिज और इट्स ऑफिस एंड इज फर्दर इन नेचर ऑफ पब्लिक ड्यूटी। मतलब इन पर्संस में से अगर कोई अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है और उस ड्यूटी का नेचर क्या है, वो पब्लिक ड्यूटी है, वो उसको करना ही है एज अ गवर्नमेंट और एज अ कोर्ट एज अ कॉर्पोरेशन, और वो नहीं कर रहा है, तो कोर्ट के पास राइट है रिट ऑफ मैंडमस इशू करने की, जिसमें कोर्ट उससे ये रिक्वायर कर सकता है कि आप इस पर्टिकुलर ड्यूटी को करो। सो रिट ऑफ मैंडमस कहाँ कहाँ इशू की जा सकती है? इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट अ पब्लिक अथॉरिटी। रिट ऑफ मैंडमस का क्या पर्पस है? इट कमांड्स एन एक्टिविटी, एंड रिट ऑफ मैंडमस इज बेसिकली इशूड फॉर सिक्योरिंग अ जुडिशियल एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटीज। कोई पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो रिट ऑफ मैंडमस के थ्रू हम उसे कंपेल कर सकते हैं अपनी पब्लिक ड्यूटी करने के लिए। रिट ऑफ मैंडमस के रिगार्डिंग एक स्पेशल डिसीजन हुआ था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमपी वाशी में, जिसमें यह बोला गया था कि अगर कोर्ट कोई ऑर्डर देता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स करने के लिए है,
उस केस में भी कोर्ट के पास रिट ज्यूरिस्डिक्शन है एंड दिस रिट ऑफ मैंडमस कैन बी इश्यूड बाय इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट रिट पे, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब देखते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या बोलता है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इश्यू टू एन इंफीरियर कोर्ट प्रिवेंटिंग द लैटर फ्रॉम असर्पिंग ज्यूरिस्डिक्शन विच इज नॉट लीगली वेस्टेड इन इट। मतलब अगर कोई कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट, अपना जुरिस्डिक्शन से ऊपर कोई डिसीजन ले रहा है, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन एक्ट कर रहा है, देन हायर कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उसको रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करे जिसमें वो उसको प्रोहिबिट करे अपना जुरिस्डिक्शन से ऊपर कुछ भी काम करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं असर्पिंग। असर्पिंग का बेसिक मतलब होता है सीजिंग और टेकिंग। मतलब एक लोअर कोर्ट का जो ज्यूरिस्डिक्शन है उसके ऊपर उसने जो भी एक्ट किया है उसको हायर कोर्ट असर्प कर सकता है। सो कोई भी ट्राइब्यूनल या जुडिशियल अथॉरिटी अगर अपनी अथॉरिटी के बिना और इन एक्सेस ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है जो कि वॉयलेशन है किसी रूल और लॉ का, देन रिट ऑफ प्रोहिबिशन के लिए हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं बिफोर सुप्रीम कोर्ट और हाई। अभी हमने देखा रिट ऑफ मैंडमस एंड रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या होता है। सो मैंडमस में बेसिकली हम एक्टिविटी कमांड करते हैं जिसमें हम पब्लिक अथॉरिटी को डायरेक्ट करते हैं कि आप ये एक्टिविटी आपकी ड्यूटी है और आप इसे करिए। बट रिट ऑफ प्रोहिबिशन एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है जिसमें हायर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को ऑर्डर देता है कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपका ये जुरिस्डिक्शन नहीं है। सो रिट ऑफ प्रोहिबिशन कमांड्स इन एक्टिविटी। एंड एक और डिफरेंस है इन दोनों रिट्स में कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज लाइक ट्राइब्यूनल, बट मैंडमस कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफिसर और पब्लिक अथॉरिटी वेदर ही इज डूइंग एनी जुडिशियल फंक्शन और नॉट। अब हम आते हैं हमारी फोर्थ रिट पे जो है रिट ऑफ सर्शरारी। अब देखते हैं रिट ऑफ सर्शरारी क्या होती है। सो रिट ऑफ सर्शरारी एक ऐसी रिट है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है तीन कंडीशंस पे। सबसे पहला कंडीशन, उसका जो सबॉर्डिनेट जुडिशियल अथॉरिटी या जुडिशियल कोर्ट है वो एक्ट करता है विदाउट और इन एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। मतलब उसके पास वो ज्यूरिसडिक्शन नहीं है या जो है उसे एक्सेस में वो एक्ट कर रहा है। दूसरा, वो एक्ट कर रहा है इन कॉन्ट्रीवेंशन टू एनी रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और तीसरा, वो जो ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, ऑर्डर्स इशू कर रहा है, वो ऑन एन फेस वो अपेरेंटली पता चलता है कि वो एरोनियस है। उस केस में हायर कोर्ट रिट ऑफ सर्शरारी इशू करता है। अब देखते हैं प्रोहिबिशन एंड सर्शरारी में क्या डिफरेंस। बिकॉज प्रोहिबिशन और सर्शरारी दोनों का ही ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड सेम है, वो जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट दिया जाता है और तब दिया जाता है जब वो अथॉरिटी इन एक्सेस और बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करती है या करना चाहती है। बट ओनली डिफरेंस बिटवीन टू रिट्स इज प्रोहिबिशन इज एन अर्लियर स्टेज रिट व्हाइल सर्शरारी इज अवेलेबल एट अ लेटर स्टेज। मतलब प्रोहिबिशन, जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो इश्यू कर सकते हैं इवन इफ दैट अथॉरिटी हैज नॉट एक्सरसाइज दैट पावर, बट सर्शरारी इज जस्ट अ क्योर। मतलब अगर कोई अथॉरिटी ने एक्सरसाइज कर चुकी है वो उसकी पावर, तभी हम उसको रिट ऑफ सर्शरारी इशू कर सकते हैं। प्रोहिबिशन उसको पहले ही प्रोहिबिट कर देता है कुछ ऐसा काम करने का जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। अब हमारी लास्ट रिट आती है जो है क्वो वारंटो। अब रिट ऑफ क्वो वारंटो क्या बोलते। रिट ऑफ क्वो वारंटो बेसिकली ऐसी रिट है जो कोर्ट को ये राइट देती है कि अगर कोई पर्सन कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है जिसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है तो कोर्ट उसको निकालने के लिए रिट ऑफ क्वो वारंटो इशू कर सकते। सो दिस रिट एनेबल्स इंक्वायरी इन टू लीगैलिटी ऑफ क्लेम विच अ पर्सन अजर्ट्स टू पर्टिकुलर ऑफिस और फ्रेंचाइज, एंड इफ हिज क्लेम टू पर्टिकुलर ऑफिस इज इलीगल देन कोर्ट कैन आउस्ट हिम फ्रॉम सच पोजिशन। सो पहले तो कोर्ट ये चेक करेगी कि अगर कोई पर्सन पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है तो उसकी लीगैलिटी क्या है, एंड अगर ये पता चलता है कि वो लीगली वो ऑफिस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है तो कोर्ट रिट ऑफ क्वो वारंटो इशू कर सकती है उसको उस पोजिशन से हटाने के लिए। सो जब भी कोर्ट रिट ऑफ क्वो वारंटो इशू करती है तब जिस भी होल्डर ऑफ ऑफिस के अगेंस्ट वो रिट इशू होती है उसे कोर्ट के सामने ये प्रूव करना पड़ता है कि वो ऑफिस होल्ड करने के लिए वो इंटाइटल्ड है एंड अंडर व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स दैट ऑफिस।
बट रिट ऑफ क्वो वारंटो बहुत ही स्पेसिफिक तरह की रिट है जो सिर्फ तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने पे ही इशू कर सकती है। वो जो ऑफिस होना चाहिए वो पब्लिक नेचर का होना चाहिए, इधर क्रिएटेड बाय सम स्टैट्यूट और बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ऐसे नहीं कि किसी प्राइवेट ऑफिस के होल्डर पे भी हम ये रिट इशू कर सकते हैं। द होल्डर ऑफ ऑफिस शुड बी अ पब्लिक सर्वेंट। दूसरी चीज, जिसके अगेंस्ट हम ये रिट इशू कर रहे हैं उसने अपना क्लेम असर्ट किया है एक पर्टिकुलर ऑफिस पे, उसने वो ऑफिस क्लेम किया है। ऑफिस मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन, एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। एंड तीसरा कंडीशन है, इट कैन बी इशूड इवन व्हेन ही हैज नॉट अज्यूम द चार्ज ऑफ ऑफिस। और ये जो रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, इसमें हाई कोर्ट ये जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है ओनली विद इन टेरिटरी इन रिलेशन टू विच एक्सरसाइजेज इट्स जुरिस्डिक्शन। तो हाई कोर्ट का एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है बस उसी जुरिस्डिक्शन में वो रिट भी इशू कर सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो रिट जुरिस्डिक्शन पूरी कंट्री में एक्सरसाइज कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इस तरह की रिट किसी कोर्ट ने इशू की है आपके अगेंस्ट एंड आपने इस रूट को नहीं फॉलो किया तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा दी जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड वॉट आर द काइंड ऑफ रिट्स दैट कैन बी इशूड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर सी सेट, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल सी एस एब इनिशियो। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।